नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, दोस्तों अगले 48 घंटे यानी कि 22 और 23 नवंबर 2022 तक हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों तीनों लोगों से आ गया है बुलावा। अब आपके ज़िंदगी में जो घटनाएं घटने वाली हैं दोस्तों, उसे देखकर आप सभी के रूह कांप उठेंगी। जी दोस्तों, यह घटना किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आने वाले इन 48 घंटे तक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान और फूक फूक का कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं होंगी, नहीं तो आपके साथ जो होगा उसे आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। जो दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि 22 और 23 नवंबर का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों या दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को किन किन चीज़ों से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकताएं होंगी, और साथ ही ऐसे में आप लोगों को किन किन चीज़ों से संभल कर भी रहने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों साथ या दो दिन के समय अवधि में आपके जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं भी घटने वाली हैं। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे या दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाले हैं, तो आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे दो दिनों के समय अवधि में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, कर्जों को लेकर स्थितियाँ कैसे बचत होंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों इन सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम पूरी सटीक बताएंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को आने वाले इन 48 घंटों के अंदर कर लें, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी, और भगवान संकट मोचन हनुमान जी का और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग अवश्य ही कीजिएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो भक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारियां आप लोगों को समय समय तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा शांत रहेंगे तो जीवन में खुद को बहुत ही मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा रहने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में शांत रहेंगे तो जीवन में खुद को बहुत ही मजबूत और ताकतवर पाएंगे। अगर आप गर्म रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा आप समस्याओं का सामना करते रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहेंगी। जी दोस्तों, इसलिए हमेशा आप जीवन में शांत रहें और शांत से हर चीज़ करें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। दोस्तों अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियाँ आपका कल लिखेगी। जी दोस्तों, इसलिए हमेशा इन बातों को आप लोग अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों अगर गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को सही लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में प्रेम से जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं आने वाले इन दो दिनों की आपकी राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले दो दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहने वाला है। दोस्तों यह समय सौभाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, जिससे आप जीवन की वो तमाम तरह की कामयाबी को हासिल कर लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सपना देखा करे थे। दोस्तों ऐसे में आपके अपने आप का साथ दे या फिर ना दे, फिर भी आप अपने काबिलियत के दम पर सबके सामने अपना लोहा मनवा कर ही मानेंगे। जो दोस्तों और यह समय आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़कर काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा, तो आप इस अवसर का फायदा अवश्य ही उठाएं। और यह समय सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है, और संतान पक्ष की तरफ से यह समय कोई भी सुखद समाचार प्राप्त होगा जिससे
समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेंगे और इन सभी सुखद संयोग के बीच आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण भी रखना होगा। अगर आप यश में सफलता के जोश में आकर अभिमान और दूसरों का अपमान करने से बचें, अन्यथा आपके अपने ही शुभ चिंतक आपसे छिटक भी सकते हैं और आपको इस दौरान उतावलपन एवं भावना के प्रभाव में बहने से भी बचना होगा। और दोस्तों, यश में व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी पर आंख मूंद कर भरोसा और विश्वास करने से बचना चाहिए, अन्यथा संभावित लाभ हानि में बदल सकता है। जी दोस्तों, तो इन बातों को यश में आप लोग जरा विशेष ध्यान रखेंगे और यश में आपको सेहत संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो यश में अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो तो आप जल्दी ही डॉक्टर से सलाह ले लें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे और प्रेम संबंध की दृष्टि से यश में आप लोगों के लिए शुभ साबित होगा। यश में आप लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने को आपको मिलेगा और आपके पार्टनर भी यश में काफ़ी खुश नजर आएंगे। और दोस्तों, जीवन से जुड़े कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोच विचार जरूर करना चाहिए। किसी भी काम को यश में जल्दबाजी में करने से बचना, अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी भूमि या फिर भवन के कार्य का निर्णय लेने जा रहे हैं तो उससे आपको संबंधित सभी कागजी कार्रवाई ठीक तरीके से यश में कर लेना चाहिए और भूलकर भी बगैर ठीक से पढ़े किसी भी कागज पर दस्तक ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यह समय असमंजस की स्थिति या फिर कोई बड़े निर्णय को लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह एक बार जरूर ले लें तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और दोस्तों, यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, तभी आपको इसका अवसर प्राप्त होगा। और या समय के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ भी आ सकता है या फिर उन्हें मनचाहे जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। और इस दौरान संतान से जुड़ी चिंता भी आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण भी या समय बनेगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ऐसे करने से आपको जल्दबाजी की बजाय उचित अवसर का इंतजार करना चाहिए और प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों, यह समय के उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों, यह समय आपको किसी से आर्थिक मदद भी मिल सकती है और नए कार्य को यह समय अगर आप लोग हाथ में लेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और यह समय आपके मन में एक नया उत्साह और जोश भी दिखाई देगा। किसी से यह समय आपका विवाद मुसीबत में आपको डाल सकते हैं तो यह समय आपको जरा सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों, जो विद्यार्थी किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें यह समय पढ़ाई में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। और यह समय स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और आप अपने सभी कार्यों को सुनियोजित तरीके से करें और प्रोफेशनल लाइफ में यह समय अच्छे अवसर भी आप लोगों को मिलेंगे। और दोस्तों, यश में अगर पारिवारिक जीवन के माहौल में देखा जाए तो दोस्तों, यश में पारिवारिक जीवन के मामले में दिन आप सभी के लिए मिला जुला वाला रहेंगे। दोस्तों, यश में जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद भी होने की काफ़ी आशंकाएँ रहेंगी। यश में अधिक तनाव की स्थिति में धैर्य से काम लें और जीवन साथी से यश में संग शॉपिंग की प्लानिंग भी हो सकती है और यश में किसी भी रिश्तेदार की वजह से दिमाग उलझन में रह सकता है और कोई भी पारिवारिक काम यश में पूरा करना आपको पड़ सकता है जो काफ़ी समय से टलता आ रहा था और यश यात्रा का भी संयोग भी बनता दिख रहा है। जी दोस्तों, चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, के आने वाले इन 48 घंटों के अंदर आप लोगों को वह कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाए और भगवान संकट मोचन हनुमान जी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, यश में आप लोग बजरंग बन का पाठ करें और साथ ही पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे चढ़ाएं। ऐसे करने से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी जल्दी ही पूर्ण होंगी और भगवान हनुमान जी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी।